ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांत्यार्जवादि गुणगण सुसाधनम सकल लोक हित हेतु शुभ धाम निधातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम। भव्यात्मा, श्री गौतम स्वामी ने 10 धर्मों की वंदना की है। भव्यात्मा, ये श्रवण धर्म, ये 10 लक्षण पर्व में आराधना की गई। भव्यात्मा, एक बात ध्यान में रखना, इसे पर्युषण पर्व भी कहते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक दिगंबर जैन ग्रंथों का अवलोकन किया, दिगंबर जैन परंपरा के ग्रंथों का अवलोकन किया है, तो हमें कहीं भी पर्युषण शब्द नहीं मिला। 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण धर्म, 10 धर्म ही नाम आए हैं, 10 लक्षण धर्म ही आए हैं, 10 लक्षण पर्व ही इसका नाम आया है। जो भी हो, वर्तमान में श्वेतांबर परंपरा में इसे पर्युषण प्राकृत भाषा में कहते हैं, और संस्कृत में पर्युषण पर्व उनके यहाँ अत्यधिक रूप से प्रसिद्ध है। हाँ, अपने यहाँ दिगंबर जैन परंपरा में वर्तमान में लोग इसे पर्युषण पर्व कहते हैं, ठीक है। ये 10 लक्षण पर्व, आज है उत्तम त्याग धर्म 8वां दिवस। भव्यात्माओं, सबसे पहले मैं आपको श्री गौतम गणधर की वाणी पर ले चलूँ। 10 अध्याय में विभक्त श्री गौतम गणधर वाणी में 8वीं अध्याय में मैंने लिखा है पडिकवाई भन्ते, उसका शीर्षक हेडिंग पडिकवाई भन्ते। ये मैंने द्वैवसिक प्रतिक्रमण से कुछ अंश लिया है, बहुत ही सुंदर है। पडिकवाई भन्ते, हे भगवान, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, जो दोष लगे हों उनका प्रतिक्रमण करता हूँ। प्रतिक्रमण यानी अपने दोषों की आलोचना करना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। एक भावे अनाचारे वेशु राय दोषेशु तीसु गुत्तीसु तीसु दंडेशु तीसु गार्वेशु आदि। एक भावे अनाचारे, एक भाव अनाचार है, ऐसे एक भावे से लेकर के 33 तक ले गए हैं। एक भावे अनाचारे, अनाचार, अनाचार का अर्थ क्या है, हम और आप व्यवहार में अच्छी तरह समझते हैं। अनाचार यानी किसी भी नियम को लेना, व्रत को लेना और उसको पूर्ण रूपेण भंग कर देना या भंग हो जाना, मतलब प्रमाद से छूट जाना, उसका नाम है अनाचार। किंतु टीकाकार ने दो तरह से व्याख्या की है, हमें बहुत अच्छी लगी, आपको सुनाऊं। एक तो अनाचार है जो व्रतों का भंग कर देना, व्रतों का छूट जाना, और एक अनाचार है व्रतों को ग्रहण नहीं करना, ये भी अनाचार है। जैसे कोई बालक, आचार्य श्री वीरसार महाराज कहा करते थे, कोई बालक चलना सीखता है तो 2-4 कदम चलता है, गिर जाता है, थोड़ा बहुत चलता है, माँ की उंगली पकड़कर या कुछ भी पकड़कर सहारा लेकर चलता है, चढ़ता है, गिरता है, पड़ता है, फिर चलता है, कभी घुटने फोड़ता है, कभी चोट लगती है, तभी चलना सीखता है। तो यह है अनाचार की एक व्याख्या, कि आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, कुछ नियम लिया है, छूट गया। और एक है नहीं लेना, बालक को चलना सिखाया ही नहीं, उसे कभी के गिर पड़ेगा, चोट लग जाएगी, इसने चलना सिखाया ही नहीं, चलावे ही नहीं, तो क्या होगा। कोई भी व्यक्ति अपने गंतव्य के लिए चले ही नहीं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, आप अपने घर से, मकान से, दुकान तक पहुंचने के लिए चले ही नहीं, तो पहुंचेंगे क्या। कोई मार्ग में चलने के डर से चले ही नहीं, कि कहीं गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, ठोकर लग जाएगी या चोट लग जाएगी, चले ही नहीं तो गंतव्य स्थान तक तो पहुंच ही नहीं सकते। और चलने वाला गिरता है, पड़ता है, फिर भी पहुंच जाता है। आचार्य श्री वीरसार महाराज कहा करते थे कि व्रतों को लिया है, कदाचित भंग हो गया, पाप के फल से पुनः ग्रहण कर लेना, प्रायश्चित ले लेना, और नहीं भी ग्रहण कर सके, मान लीजिए पाप के फल से नरक चले गए, दुर्गति में चले गए, लेकिन नहीं लेने वाले की अपेक्षा वो अच्छा है। तो लोग हंस पड़ते, महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, आचार्य श्री आप क्या कह रहे हैं कि व्रत लेकर भंग करके नरक जाना अच्छा है नहीं लेने की अपेक्षा। बहुत से लोग कहते हैं, महाराज जी हमको डर लगता है छूट जाए तो, हम तो नहीं लेंगे व्रत, हम तो नहीं लेंगे, तो कहते व्रत लेकर भंग करके नरक में जाना अच्छा है, लेकिन नहीं लेना नहीं अच्छा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है,
तो आचार्य श्री बड़े मधुर शब्दों में समझाते कि भव्यात्मन, अगर आप नरक भी गए और जाति स्वरण से आ गया इस स्वरण में कि मैंने व्रत लिया था, छोड़ा था, इसलिए फलस्वरूप नरक आए हैं, मेरा व्रत भंग हुआ था इसलिए नरक आए हैं, तो आपको जाति स्वरण से सम्यक्त हो जाएगा, सम्यक्त हो सकता है कदाचित। लेकिन नहीं चलने वाला, नहीं व्रत देने वाला, तो संसार में डूबेगा ही डूबेगा, कहाँ मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा। इसलिए आप नियम से व्रत ग्रहण करें, डरे नहीं, भय संज्ञा डरे नहीं, आप छोड़ दे डर को, डर को निकाले। बाबा नो भ्यू नका भ्यू नका, संयम धारण करा, यह आचार्य श्री शांतसार महाराज के अंतिम प्रवचन में कहा है। 26 उपवास के बाद उनका अंतिम प्रवचन हुआ था, मैं वहीं कुंथलगिरी में छुलिकावस्था में मौजूद थी, विद्वान थी, मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है। दरवाजे के पास खड़ी खड़ी सुन रही थी, कुछ कुछ आवाज आ रही थी कान में, लोगों ने बंद करके अंदर में टेप रिकॉर्ड रखा था अंतिम उपदेश लेने के लिए। वो उपदेश बहुत ही प्रचारित हुआ है, टेप रिकॉर्ड का भी प्रचारित हुआ है और छपकर भी प्रचारित हुआ है, मराठी में था, हिंदी होकर भी प्रचारित हुआ है। बाबा ने व्यू न कहा, भव्यात्मा हो, डरो मत, डरो मत, डरो मत, संयम धारण करो, संयम धारण करो, संयम धारण करो, अंत तक महाराज कहकर गए आचार्य श्री शांतार महाराज, भव्यात्मा। इसलिए मैंने बताया आपको, एक के भाव अनाचार्य वेशु राय दोषेशु, दो हैं राग द्वेष, राग और द्वेष, इन्हीं की बस में संसारी प्राणी भ्रमण कर रहा है। यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषस्य तत्ते इति निश्चयः, आचार्य श्री कहा करते थे, जहां राग है, अति राग है, वहां द्वेष भी आ जाता है। सुकौशल की माँ, उसको अपने पति पर अनुराग, पति ने दीक्षा ले ली तो पुत्र को मुनियों के दर्शन के लिए रोक दिया कि हमारे शहर में मुनि प्रवेश नहीं कर सकते, बंधन लगा दिया। सुकौशल को मालूम पड़ा, जाकर के पिता को नमस्कार किया, मुनि को नमस्कार किया, दीक्षा ले ली। रानी को राग था, राग के आरते ध्यान से मरी, व्याघ्री हो गई और उन्हीं पिता और पुत्र को, यानी पति और पुत्र दोनों को मुनि अवस्था में जो वहाँ उतर रहे थे पर्वत से नीचे, खाने को दौड़ी तो संबोधन करते हैं, अरे रानी सहदेवी, तू जिनके मोह में, जिनके राग में मरी है और व्याघ्री हुई, उन्हीं को खाने दौड़ रही है, इनके मोह में मरी, जिनके मोह में पागल हो गई थी। तो संसार में राग और द्वेष अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तिशु गुत्तीसु, तीन गुप्ती हैं, तीन दंड है मन वचन काय की प्रवृत्ति, अशुभ होना दंड, शुभ होना गुप्ती आदि। तो भव्यात्माओं, गौतम स्वामी ने 33 तक लिया है, 33 अत्या साधनाएं कही हैं, इसमें बहुत सुंदर सुंदर नए नए प्रकरण हैं, पृथ्वी के 26 वेद किए हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण हैं। 32 आए दिनों में शिशु, 24 आए अरहंतेशु, जो अरहंत 24 होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं, 25 भावनाएं आदि। इसमें 11 प्रकार की प्रतिमाओं को लिया है, एआरस विहासु भिक्खु उवासे पटवासु, उपासक प्रतिमाएं, उपासक व्रत मने श्रावकों के 11 प्रतिमाएं आदि, और 10 धर्मों को भी लिया है, सब लिया है क्रम से, श्रवण धर्म से कहा है, 10 धर्मों को श्रवण धर्म कहा है कि मुख्य रूप से साधु ही इनके पालन करने में सक्षम होते हैं, श्रावक तो इन्हें एक देश पालन करते हैं, इनकी पूजा भक्ति आराधना करते हैं, ये श्रवण धर्म कहलाते हैं। गौतम स्वामी ने इन्हें श्रवण धर्म कहा है, श्रवण धर्मेशु भव्यात्मा। तो 10 प्रकार के धर्म ध्यान माने हैं गौतम स्वामी ने, धर्म ध्यान के 10 भेद किए हैं, आज्ञा विचे, अपाय विचे, उपाय विचे, संसार विचे, भव विचे आदि, 10 प्रकार के धर्म ध्यान माने हैं। तो भव्यात्मा, 33 प्रकार के अत्या साधना तक इसमें लिया है, आप इसका स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए, पूजा कीजिए। पुनः 7 प्रकार की अत्या साधना ली है, अत्या साधना ने विराधना, जीवों की अजीव की, ज्ञान दर्शन तप चारित्र और वीर्य, ऐसे 7 प्रकार की अत्या साधना भी मानी है आदि। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से इस 8वें अध्याय में मैंने ये प्रकरण लिया है, इसे भी आप पढ़ें सुने। अब मैं आपको ले चलती हूँ उत्तम त्याग धर्म की ओर, आज का दिवस उत्तम त्याग धर्म।
भगवात्माओं, बात यह है, षटखंडागम ग्रंथ में, धवला पुस्तक में आचार्य ने, मूल में सूत्र में भूत बलि आचार्य ने, जहाँ 16 कांड भावनाओं में उत्तम त्याग धर्म को लिया है, तो उसको कहा है प्रासुक परित्यागता, प्रासुक दान देना। तो उन्होंने कहा है दया बुद्धि से जो महाव्रती साधु और रत्नत्र का दान देते हैं, किसी को दैगम्बरी दीक्षा देते हैं, वो है प्रासुक परित्यागता। बड़ा अच्छा लगता है वो प्रकरण हमें। उन्होंने कहा है कि ये त्याग धर्म गृहस्थों में संभव नहीं है, क्योंकि वो स्वयं रत्नत्र का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, तो रत्नत्र का उपदेश देने को, किसी को दीक्षा देने को उनको अधिकार ही नहीं। बहुत सुंदर वर्णन किया है, पुनः इसके भेद भी किए हैं। उत्तम त्याग के 4 भेद प्रसिद्ध हैं, आहार दान, त्याग का अर्थ दान देना, छोड़ना, दान देना। श्री उमा स्वामी ने व्याख्या कर दी है, स्वस्य अति सर्गो परस्य अनुग्रहार्थम स्वपरानुग्रहार्थम दानम, अपने और पर के अनुग्रह के लिए अपने धन का जो त्याग किया जाता है उसका नाम है दान। तो आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभयदान, दान के 4 भेद मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं और 4 भेद माने हैं। और दीन दुखी को भोजन कराना और रोगियों का उपचार आदि करा देना, हॉस्पिटल बड़े बड़े और औषधालय आदि खोलना आदि, ये भी औषधि दान, करुणा दान में भी आ जाता है। तो आहार दान की महिमा, राजा बजरंग ने आहार दे करके और उस भव से अपना उत्थान करते हुए आगे जाकर भगवान शबदेव जैसे तीर्थंकर व्रत को प्राप्त किया। श्री शरण ने आहार दान दिया था, उसके फलस्वरूप आगे तक भगवान शांतिनाथ हुए हैं। बहुत से वर्णन है, आहार दान की बहुत ही महिमा है। अकृत पुण्य बालक जो जन्मते ही जिसके राज्य समाप्त हो गया, रानी महारानी और दर दर की ठोकरें खाती हुई दर दर की नौकरी करने लग गई, ऐसी स्थिति में आ गई दुरावस्था में, बालक की पाप का उदय, उसका भी पाप का उदय। कालांतर में उसने एक मुनि को आहार दान दिया और बालक अकृत पुण्य उसका नाम था, वो देखता रहा खड़ा खड़ा, गदगद होता रहा, प्रसन्न होता रहा कि अभी मुनि को आहार दे करके खीर खिलाकर मेरी माँ मुझे भी खीर खिलाएगी। और बालक ने पुण्य का बंध किया, अगले भूमि धन्य कुमार हो गए, धन्ना सेठ, नवनिधि के स्वामी, भगवान महावीर के समय धन्य कुमार। भव्यात्मा बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। औषधि दान से श्री कृष्ण के बारे में आया है, एक मुनि को औषधि दान दिलाया, आगे तीर्थंकर होने वाले हैं, आगे भावी तीर्थंकरों में 16वें तीर्थंकर होंगे। एक वृषभ सेना ने औषधि दान दिया, फलस्वरूप ऐसी रिद्धि हो गई कि उसके स्नान किए हुए जल से सब रोग नष्ट हो जाते थे, ऐसी महिमा प्रकट हो गई। अभय दान, एक सूकर, एक मुनि ध्यान कर रहे थे गुफा में, एक व्याघ्र उन्हें खाने को दौड़ा और सूकर उन्हें बचाने को दौड़ा, दोनों आपस में लहूलुहान हो गए, मरे। सूकर ने देवपद प्राप्त कर लिया, देवपद, महार्धिक देव हो गया। सूकर जाति का ऐसा तुच्छ प्राणी मुनि के बचाने की भावना से और व्याघ्र मर करके नरक चला गया। ऐसे सूकर का दृष्टांत अभयदान में श्री समन्वभद्र स्वामी ने अपने रतन कृष्ण श्लोकाचार में लिया है, सूकरस्य दृष्टांत। और ज्ञानदान में एक ग्वाले ने एक मुनि को एक पुस्तक दे दी, फलस्वरूप आगे कौंडेस महामुनि बनकर के श्रुत केवली हो गए। ज्ञानदान का फल केवल ज्ञान का बीज है, ज्ञानदान केवल ज्ञान का बीज है, हमें और आपको केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाला है। चारों दानों की महिमा विशेष है। भव्यात्मा, भुक्ति मात्र प्रदान हेतु का परीक्षा तपस्वी नाम ते संता संत संतो वा ग्रही दाने शुद्धति, ये आचार्यों के वाक्य हैं। एक मुट्ठी भर अन्न आपको देना है साधु को आहार दान में, का परीक्षा तपस्वी नाम, उनकी परीक्षा क्या करना, ये अच्छे हैं कि गले बुरे हैं,
ये सच्चे हैं कि झूठे हैं, आज तो परीक्षा करने में उलझे हुए हैं। भव्यात्मा, हमें और आपको साधुओं की परीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, बाहर से आप कोई मोटा दोष देख रहे हैं, आप उनसे पृथक हो जाइए, उनकी निंदा मत कीजिए। आचार्य सांसार महाराज ने कहा था, मैंने बैठी थी, मैंने सुना था, एक चार लोग आए किसी साधु के बारे में चर्चा लेकर के, महाराज वो ऐसे हैं ऐसे हैं। महाराज ने कहा, मेरे पास ले आओ, मैं समझाऊंगा, प्रायश्चित दे दूंगा। बोले महाराज नहीं आ रहे हैं, तो बोले आप मौन हो जाओ। अखबार में छापना, निंदा करना आपके लिए दुर्गति का कारण है, वो अपने करने का फलाप भोगेंगे। भव्यात्मा, हमारा और आपका कर्तव्य नहीं है उनकी निंदा करना बैठकर चौपाल पर। तो एक आचार्य ने कहा, क्या परीक्षा तपस्या, एक मुट्ठी बनाने देना है, क्या परीक्षा उनका, उनकी तपस्या करना, वो अच्छे हैं या बुरे। आप तो ग्रही दाने न शुद्ध अति, गृहस्थ तो दान से शुद्ध हो जाएगा, आचार्यों के वाक्य हैं। कलि प्रावेश मिथ्यादिंग मेघक छन्नाश दीक्ष ही खद्योत्वेष्टारो हाथ द्योतंते कुचित कुचित। भगवात्मा, आपको मैंने उत्तम त्याग के बारे में सुनाया, अब मैं आपको ले चलती हूँ भगवान शब्दों के भवों की ओर। अच्युत इंद्र वहाँ से च्युत होकर के महाराजा विदेह क्षेत्र में वज्रनाभि चक्रवर्ती हो गए। वज्रनाभि चक्रवर्ती वज्रसेन तीर्थंकर के पुत्र और चक्रवर्ती पद का छेखंड का शासन करते हुए, नवनिधि 14 रत्नों का उपभोग करते हुए चक्रवर्ती पद को भी छोड़ करके और पिता के समीप तीर्थंकर भगवान के समीप में जैनेश्वरी दीक्षा ली और 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। भव्यात्माओं, ये भगवान ऋषभदेव का भव मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। अब आप जाप करेंगे त्याग धर्म का। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। धर्मानुरागी बंधुओं, जैसा कि आपको अनेक माध्यमों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि विश्व में भारत में सबसे बड़ा कार्य हो रहा है मांगी तुंगी में 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण। ये निर्माण पूर्णता की ओर है और इस विशाल प्रतिमा का पंत कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फरवरी 2016 में होने जा रहा है। बंधुओं, दिगंबर जैन समाज के उन परिवारों को आज मैं पुनः प्रेरणा प्रदान करता हूं। पर्युषण पर्व के शुभ अवसर पर आप कहीं न कहीं दान अवश्य देते हैं, छोटी राशि बड़ी राशि, लेकिन इस प्रतिमा के निर्माण में 1,08,000 रुपए की राशि जो 15 साल पहले घोषित की गई थी वो राशि अभी भी चल रही है। केवल आपको 2-3 महीने का समय है, अब से दीपावली तक आप इस प्रतिमा के निर्माण में जिन्होंने अभी तक 1,08,000 रुपए नहीं दिया है, 1,08,000 रुपए की स्वीकृति टेलीफोन के द्वारा आप दे सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार दीपावली तक अथवा आप दिसंबर तक भी ये राशि प्रदान करके और प्रतिमा निर्माण का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 1,08,000 रुपए की राशि खर्च नहीं करना चाहें तो आपको प्रेरणा है कि कम से कम इतने बड़े पंत कल्याणक में आप 1 कलश मस्तिकाभिषेक करने का पुण्य अवश्य ले। कलश की राशि 5100 रुपए भी है, 11,000 भी है, 25,000 भी है और इंद्रदानी की राशि 1,00,000 रुपए अथवा 51,000 है। मैं चाहूंगा किसी न किसी राशि में मांगी तुंगी में होने वाले प्रतिमा निर्माण या पंत कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव या मस्तिकाभिषेक में आप लाभ अवश्य ले। जैसा कि आपको विदित है कि जैन समाज के सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से इस प्रतिमा का निर्माण पूरा हो रहा है और पूज्य माता जी स्वयं हस्तिनापुर से चलकर मांगी तुंगी आ चुकी हैं। इस पंत कल्याणक में विशेष रूप से हमारे आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य अनेकान सागर महाराज और इसी परंपरा में आचार्य रैन सागर महाराज का भी प्रमुख सानिध्य हमें प्राप्त होगा। पूज्य ज्ञानमती माता जी सत्संग यहां विराजमान है, तो आइए और इस पंत कल्याण प्रतिष्ठा में फरवरी में अवश्य सम्मिलित होने का पुण्य अर्जित कीजिए।